दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। आप सबका इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज पर। देर रात मोगलपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में झगड़े का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बुरखा पोश खातून सुमैया बिहार का रहने वाला हिंदू पप्पू कुमार के साथ रोड पर जा रही थी मिर्चौक के इलाके। अचानक दो शख्स गौस और शरीफ की नज़र सुमैया और पप्पू कुमार पर पड़ती है। गौस और शरीफ ने मिलकर पप्पू कुमार से सवाल किए, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई और बहस हो गई। इस हादसे के बाद मोगलपुरा पुलिस ने दोनों गौस और शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही इसके इतला AIMIM कॉरपोरेटर मोगलपुरा नसरीन सुल्ताना को मिली, वो फौरन गौस और शरीफ के घर वालों से मुलाकात किए और उन्हें इंसाफ दिलवाने का भरोसा दिलवाए। बताया जा रहा है कि पप्पू कुमार बिहार का रहने वाला है और हैदराबाद में चार मीनार के पास वो मोबाइल की दुकान और तालाब कट्टा पर फास्ट फूड की दुकान चलाता था। फास्ट फूड की दुकान पर सुमैया का रोज आना जाना था, जिसके बाद पप्पू कुमार और सुमैया में दोस्ती बढ़ गई। कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने मोगलपुरा इंस्पेक्टर रवि कुमार से कॉल पर बात किए। इंस्पेक्टर रवि कुमार ने कहा कि वो बच्चों को जल्दी रिहा कर देंगे, लेकिन गलत तरीके से शरीफ और गौस पर 153 केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। आइए सुनते हैं आगे की तफसीलात कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना और इंस्पेक्टर ए रवि कुमार की वायरल कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए। हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर इमरान खान की यह खास रिपोर्ट पेश है। ऐसे ही अहम और ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने A18 तेलंगाना न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना। कल मुझे एक बच्चे का फ़ोन आया था अकबर बोल के। मैं यहाँ पर जो सो मोगलपुरा PS को, फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोले कोई बच्चा पकड़े गया मैडम, ऐसी की बात ऐसी है बोल के बोले। तो मैं बोली क्या बात है बोल के पूछी, तो कोई लड़की जो सो मुस्लिम लड़की कोई हिंदू लड़के के साथ जा रही थी बोल के बोले थे। ठीक है मैं बात करती हूँ सर्कल से बोली। फिर मैं कल सर्कल को फ़ोन करी तो उन्होंने बोले नहीं छोटा सा केस है मैडम, आप जो सो बेफिक्र रहिए, मैं शाम में छोड़ देता हूँ 11 बजे तक बोले। फिर मैं 11 बजे मेरे को फिर एक फ़ोन आया अकबर मेरे को फ़ोन करके बोले कि ऐसी की बात ऐसी है मैडम नहीं छोड़े बोलो। फिर मैं सर्कल से बात कही तो उन्होंने बोले मैडम एक बार रिमांड करना पड़ता है, CP साहब तक और SCP साहब तक चले गई बात। ठीक है बाबा आपसे रिमांड कर रहे हैं तो क्या बेस पे कर रहे हैं बोले, तो नहीं हिंदू मुसलमान के फसाद के अंदर है बोल के बोले। हिंदू मुसलमान का कई का फसाद है बोल के मैं पूछी तो नहीं, उन्होंने मुसलमान बच्ची जो सो लड़के गुजारी थी 18 साल के बाद वो लोग बालिग है जा सकते बोल के बोले। तो ठीक है भाई उन्होंने जा रहे थे तो ये बच्चा गैर जरूरी ठीक है मारा होगा गुस्से में आके मारा। मैं बोली उनको ऊपर सेक्शन क्या लगा रहे साहब, तो छोटा सा केस बुक कर रहा हूँ मैडम 72 का बोले। 72 जाके आज 153 में बुक करके अभी बोल रहे हैं साहब रिमांड कर दिए ऑलरेडी, हम जो है सो कोर्ट से बेल ले लो बोल रहे। ऐसा दिखता है कि इन हर चीज़ में जो है सो अपना दखल अंदाजी करते। वहाँ दीवालगिरी सखत भी वैसी बोले कि वो बच्चे उनसे मांडोली करे तो जबी भी वही बात बोली थी मैं उनको कि मांडोली कर रहे बोले तो नहीं करे बोल के बोले। जब 50,000-60,000 बोल के ऐसा बात करके 1.5 लाख रुपये के ऊपर बात हुई, जबी भी 1.5 लाख रुपये में मेरी तरफ से दिलाई बच्चे को। अभी भी उन्होंने यही बोल रहे हैं कि बच्चे को रिमांड कर दिए मैडम आप जो सो 2 दिन में बिल करा लो बोले। ये मेरे को ये समझ में नहीं आता इनको हिंदू मुसलमान का तासुब भरा हुआ है या होना बोल के करते ये बात। मेरे को अभी भी सर्कल साहब की मैं रात से उनको फ़ोन आ करके एक ही बात समझा रही हूँ, तो मैं बोल रहे मैं नहीं मारा बोल के बोल रहे और वो बच्चे का स्टेटमेंट है कि मारे बोल के बोल रहे। अब मारे बाद में जो सो मैं पूछी उनको तो मैं नहीं मारा, अब मार के बताता हूँ बोल रहे। ये कैसा इनका स्टेटमेंट रहता समझ में नहीं आता, घड़ी में कुछ बोलते घड़ी में ऐसा दिखता है कि इन्होंने आंसू भरे हुए हैं। हमारे को ये रवि कुमार साहब से बहुत नाक में दम होके रह जा रहा, हर कोई बच्चा बोल रहा है यहाँ का कि रवि कुमार साहब ऐसा स्टिकली बात करते हमारे से रफ बात, ऐसा दिखता उन्होंने मिठी छुरी गर्दन पे फिरा दे रहे सब की मुसलमानों की, ऐसा दिखता उन्होंने यहाँ पर ये नाके में रह के हिंदू मुसलमान का फसाद कराए वैसी बात करते। जब देखो अभी भी मैं उनको रात से बोल रही हूँ मेरे को एक ही बात बोल रहे थे कि मैं छोड़ दे रहा हूँ बोले। आप बोल रहे मेरे को रिमांड कर दिया मैं आप लोगों कोर्ट से बेल ले लो बोल रहे, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। हम भी असद साहब से बात करेंगे इंशाल्लाह, ये बात में MLA साहब असद साहब से भी बात करके हम भी बात करेंगे क्योंकि इनका रवैया बहुत गलत है यहाँ का। अब हम बोलते कौन सी भी चीज़ को उन्होंने मेरे को मामली से अभी मिसाल दे रहे गाड़ी पकड़े गए तो मैं छुड़ाया नहीं बोलते, गाड़ी की बात अलग है ये बात अलग है। अब आप सीधा बोल दे रहे उनकी माँ बोलते उनकी माँ की बात सुनते या मेरी बात सुनते बोल रहे, मेरे को ये बात समझ में जाए। इंशाल्लाह ताला हमारे से भी जो भी होगा हम भी कोर्ट में वो बच्चे के पेपर दाखिल कराएंगे, बेल लेंगे, बेल लिए बात हम भी बात करेंगे। उनकी माँ है देखिए आप रोड के ऊपर रो रहे हैं दुनिया का उन्होंने पावा पड़ने
नहीं आ रहे और रो रहे हमें, हमको भी अच्छा नहीं गया। एक बच्चा है कमाने वाला, उनकी माँ अदरक लहसुन छिलते रोड के ऊपर मंडी के अंदर, अदरक लहसुन छिल के कमा के जो सो घर चलाते हैं, वो बच्चे को ज़बरदस्ती जो सो आप रिमांड कर दे रहे। बोले तो बोले सी पी साहब का परमिशन है, ऐसा क्या फसाद हो गया था जो सी पी साहब का परमिशन है बच्चे को रिमांड करो बोल के? हमारे को ये बात समझ में नहीं आ रही। इंशाल्लाह हम कल कोर्ट को जाएंगे, कोर्ट को जाके उनकी वालदा को ले आके कोर्ट से हम बेल करा के बात करेंगे रवि कुमार साहब से, क्योंकि हमारे को इनका रवैया ज़रा भी पसंद नहीं है। जब भी उन्होंने वही बात करते, अभी भी इतने मीठे बातें करते, उन्होंने मीठे बातें करके वहाँ आयन टाइम पे लाके जो सो ढकल दे रहे। उन्होंने मेरे को रात से बोले के मैं छोड़ दे रहा हूँ बोल के बोले मेरे को 72 केस में बुक करो मैडम, छोड़ आप ला के 153 में बुक करके बोल रहे। मामली सी केस है बोल रहे उन्होंने, उनके लिए मामली सी होंगे लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये यतीम बच्चा है, वो बच्चे की माँ दुनिया का रो रही तो भी उन्होंने वो बोल रहे उनकी मत सुनो हमारी सुनो, हम पब्लिक की सुनेंगे या इनकी सुनेंगे? हमारे को ये रवैया रवि कुमार साहब का पसंद नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमारे से जो हो सकता हम बराबर करेंगे। कल वो बच्चे के पेपर्स दाखिल कराएंगे, इंशाल्लाह हम दो दिन में बेल करा के बताएंगे इनको। After successfully spreading education since 12 years, renowned educationalist Mr. Partha Sarthi, Director, Success Junior College, brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University. Latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for degree students: BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students: MPC JEE and MCET, YPC NEET and MCET, MEC CACMA, CEC CACMA, CEC Computer and Regular. 100% scholarship assistance. Transport facility available. Hurry up! Admissions are open. Success Junior College for Girls, Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.